ईस्ट अफ्रीका तो एक पंजाबी नौजवान ने वीडियो भेज के जलंधर च रहिंदे अपने परिवार लई चिंता जताई है। वीडियो च जिथे राहुल भंडारी नामक नौजवान अपने परिवार दे चिंतित है उथे ही ओह पंजाब वासियां नूं वी कोस रिहा है। राहुल भंडारी मुताबिक लोक सरकार दीआं हदायतां नूं ना मन के अपने ते अपने परिवार की जान जोखम च पा रहे हैं। राहुल भंडारी ने उन्हां लोकां नूं बेवकूफ किया है जो सरकार दीआं हदायतां नूं छिके टंग के कोरोना वर्गी महामारी नूं मजाक समझ रहे हैं। राहुल भंडारी ने अफ्रीका ते भारत च कोरोना बारे होर की कहा है, तुसीं खुद सुन लवो। पैदाइशी मेरी जिहड़ी है अमृतसर दी है। करीब 2016 दे विच मार्च दे महीने विच मैं अपना जिहड़ा मकान है वह जलंधर दे विच बनाया सीगा, एक सैपरेट जिथे मैं अपनी वाइफ ते दोवें बेटियां दे नाल रहने आ। ते हुण पिछले कुछ समय तो मैं इत्थे इथोपिया कंट्री है ईस्ट अफ्रीका दे विच जिहदे लगदादी शहर दे विच मैं रह रहा। इत्थे एक MNS नाम की कंपनी है, MNS मैनुफैक्चरिंग, जिहड़ी कि टावल ते मैट्रस ते कवर बनाती है, जिथे मैं हुण एज ए डिजाइनर एंड एज ए मेंटेनेंस हेड वर्क कर रहा। जिहड़ा करोना का दौर है, अगर गल करिए करोना बारे तो करोना का दौर मैं इत्थे ही देखिया। उस टाइम मैं इत्थे ही सीगा, बिल्कुल हजे भी इत्थे ही हाँ। तो करोना ने एक पूरे देश नूं कि पूरी दुनिया नूं ही मतलब तहस नहस मचा दिती है पूरे वर्ल्ड दे विच ही। करोना इन्ना क बुरा हाल है, सानू इत्थे टेंशन रहिंदी है हमेशा कि साडी फैमिली साडे पंजाब एरिए विच साडे भैन भरा साडे मदर फादर किस तरह होणगे। हर टाइम सानू इहो चिंता सताई रहिंदी है क्योंकि साडे पंजाब दे विच बहुत ज़्यादा फैल चुका है। हजे कि यह साडे इथोपिया दे विच इन्ना ज़्यादा नहीं हैगा करोना का जिहड़ा प्रभाव है इत्थे, बट बहुत घट है। बट जिहड़ा क्योंकि इत्थे किसी तरह का काम नहीं रोकिया गया, इत्थे पर्टिकुलर काम चल रहा वा सारा, इत्थे साडी फैक्टरी जिहड़ी है पर्टिकुलर वर्क कर रही है ते कोई काम नहीं रोकिया गया। हाँ यह जरूर है कि इतने प्रकोशन जरूर वरती गई है, मास्क वगैरह यूज़ कर रहे, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे आप, जिहड़े है कि वर्कर भी आप अद्धे करते हैं ताकि जिहड़ा कि मैन पावर घटा के कुछ गवर्नमेंट वालों कुछ रूल सके जिदे तरीके ना मैनेज किया गया। तो दूसरी गल रही अपनी पंजाब की, पंजाब दे विच आपां अगर गल करिए ते सानू कहन लगे भी शर्म आती, आपां भी पंजाबी हाँ अमृतसर तो ही हाँ। बेसिकली पंजाब के लोग इन्ने क बेवकूफ किस्म के इंसान ने कि अपनी ही जिंदगी उन्होंने प्यारी नहीं है, अपनी ही जिंदगी नाल उन्होंने प्यार ही नहीं है, मौत दे नाल खेलते हैं। क्यों खेलते हैं सानू नहीं पता। जे गवर्नमेंट उन्होंने कहती है तुसी घरे रहो प्रकोशन वरतो, फिर भी वह सड़कों पर निकलते हैं बाहर निकलते हैं। ठीक है कुछ लोगों की मजबूरी भी है कि राशन खत्म या वो एक चलो असैप्टेबल है वो चीज़, ठीक है भाई प्रॉब्लम वो है, पर उस चीज़ को मतलब आप करके अगे रख के आप सारे ही दे सारे जिहड़े बाहर निकले, जितों तक मैनू अंदाजा है मेरे अकॉर्डिंगली 50% तो अबव जिहड़े लोग है वो बिना मतलब तो ही बाहर निकलते हैं जितों तक मेरा अंदाजा है। अगर हाँ जरूरत के टाइम पर बाहर निकलना कोई माड़ी गल नहीं है, ठीक है कि तुम चलो लोड़ है तेरे घर में ताकि मजबूरी है कि राशन खत्म है या मेडिसन है या किसी तरह की घर की प्रॉब्लम है तो तुम बाहर आ रहे हो, वो एक गवर्नमेंट वालों भी असैप्टेबल है, गवर्नमेंट भी कहती है कि कोई चक्कर नहीं गा तुम आ सकते हो बाहर। पर मेरी अपने पंजाबियों अगे स्पैशली पंजाबियों अगर बाकी पूरे देशवासियों के अगे हाथ जोड़ के बेनती है कि प्लीज़ गवर्नमेंट के नियमों का पालन करो, करोना तो जिन्ना बच सकते बचो, प्रकोशन ही यदा इलाज है। क्योंकि एक बार जो तुम करोना हो गया तुम होस्पिटल एडमिट हो गए तो उत्थे जाके मतलब कोई फायदा नहीं है, एक तो पैसे तुहाडे लगनगे बहुत ज़्यादा, क्यों इन्ने मतलब तुम पैसे वेस्ट करने हैं, क्यों तुम इन्ना मतलब अपने आप को कर रहे हो कि ताड़ी जरूरत ही नहीं है। जिस तरह तुम अपने फैमिली को पुछ के वेखो, अपने बीवी बच्चों को पुछ के देखो ताड़ी किन्नी लोड़ है उन्होंने। हर चीज़ पैसा तो नहीं होंगी पर पैसा भी बहुत कुछ चीज़ हैगी है, अगर तुम ही नहीं रहे तो कमान का जरिया ही तो फैमिली का खत्म हो गया, तो जाने बाद फैमिली का की हाल होएगा।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਵਰਤੋ, ਸੇਫਟੀ ਵਰਤੋ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਖਬਰ ਹੈਲਪ ਇੰਡੀਆ।